एक और हेडलाइन मैनेजमेंट, वित्त मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्टिमुलस पैकेज निकाला। आप भी सोच रहे होंगे कि सरकार ने कोई स्कीम बनाई है तो अच्छी ही बनाई होगी, पर ये स्कीम भी वही ढाक के तीन पार। कैसे? पहले तो ये बता दें कि देश की कुल ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स का केवल 8.5% ही ये केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। अब इस नई स्कीम में उन्हें फेस्टिवल लोन का प्रॉमिस किया गया है, जो पहले भी मिलता था, कम मिलता था, लेकिन अब चूंकि लोन का अमाउंट बढ़ा है तो किस्तें भी ज़्यादा अमाउंट की बनेंगी। और दूसरा, लीव ट्रैवल कंसेशन, यानी कि LTC की जगह सरकार इन्हें कंज्यूमेबल गुड्स खरीदने का सशर्त सुझाव दे रही है। और ये शर्तें क्या हैं? पहले तो ये कि LTC के ऑथराइज्ड पैसों से 3 गुना ज़्यादा पैसों के सामान की खरीदी का बिल सबमिट करना पड़ेगा। और खरीदना क्या है? फूड आइटम्स नहीं खरीद सकते, नॉन फूड आइटम्स ऐसे जिन पर GST 12% से ज़्यादा हो, यानी कि शैम्पू, साबुन और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ऐसे कंज्यूमेबल्स और GST रजिस्टर्ड दुकानों से डिजिटल पेमेंट के जरिए खरीदेंगे तो ही रिएम्बर्समेंट होगा। यानी कि एक बार फिर अपने इंडस्ट्रियल दोस्तों को फ़ायदा पहुँचा दिया। और इतनी जद्दोजहद के बाद भी मिलने वाला टैक्स बेनिफिट बहुत मामूली सा है। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आप खुद कैलकुलेट करके देखिए। ये पैसे बजट वर्ष खत्म होने के पहले, यानी कि 31 मार्च 2021 तक खर्च करने हैं, तभी टैक्स बेनिफिट मिलेगा। बेचारे सरकारी कर्मचारियों को इस कोनंड्रम, यानी कि पहेली में उलझा कर सरकार को मिलने वाला कैश फ्लो GDP के केवल 0.1% का ही होगा, जैसा कि देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कह रहे हैं। और ये भी ध्यान रहे कि सरकार ने इस वर्ष से लेकर और अगले वर्ष के मध्य तक कोई डीए नहीं बढ़ाना है। तो अब इस प्रचारित स्कीम को हम क्या कहेंगे? थोथा चना बाजे खना। जय हिंद।